मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 6 और 7वां वचन हम पढ़ें। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। पिछले दिनों में हम वचन के आधार पर हम वचन मनन कर रहे थे कि कैसे हम जिन्हें परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, हमें कैसे अपना चाल चलन पर ध्यान देना है। हमने सीखा कि कैसे पवित्रता में चलना है, सच्चाई की कमर बंद को अच्छी तरह कसे हुए रहना है, एक दूसरे को स्वर्गीय पिता ने जैसे हमें प्रेम किया उस प्रेम से प्रेम करना है, और कैसे हमारा हृदय स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। लेकिन हम में से कई लोग सोचते होंगे कि ये कैसे संभव है पवित्रता और सच्चाई में ऐसा जीवन बिताना। हम में से कई लोग ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, लेकिन जीवन में जब कठिन परिस्थिति आती है जो हमें परीक्षाओं के सामने खड़ी करती है, हम अपने समर्पण से हट जाते हैं और फिर हमारा विवेक हमें दोष देता है और वो हमारे आत्मिक जीवन में बुरी तरह असर करता है। लेकिन हमने एक बात को अच्छी तरह ध्यान देना है, मसीह जीवन मसीह में का जीवन है। मैं मसीह धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा। सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं और मनुष्य अपने प्रयास से उनके अनुसार चलना चाहता है, लेकिन मसीह में का जीवन इन सब धर्मों से बिल्कुल भिन्न है। मसीहत एक धर्म नहीं है, लेकिन ये स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ दैनिक जीवन में चलने का अनुभव है। आज बहुत से लोग रीति रिवाजों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कई लोग पवित्र जीवन बिताने के लिए अपने शरीरों को वश में करते हैं नियमों का पालन करते हुए, लेकिन हर बार मनुष्य पराजित होता है। समझ लेता है मनुष्य कि वो पाप की शक्ति को अपने बल से, अपने दिमाग की क्षमता से जय नहीं पा सकता। इसी तरह अगर हम अपने प्रयास से पवित्र बनने का प्रयास करें, हम पराजित ही होंगे। लेकिन ये परमेश्वर के साथ चलने का यह मार्ग, ये विश्वास का मार्ग है, पिता पर का भरोसा जो हमारा उद्धार करता और हमारा सृष्टि करता है। हमें केवल एक चीज करना है कि प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करना है, यह एहसास करते हुए कि हम अयोग्य हैं, हमें कोई खूबी नहीं है, हम किसी के लायक नहीं, प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता और प्रभु कर मानना है। प्रभु का मतलब मेरे जीवन के ऊपर पूरा नियंत्रण, मसीह हमारे जीवन का सब कुछ हो जाए, तभी हम मसीह के कद तक बढ़ पाएंगे। मसीह से हटकर हम कभी भी सिद्ध मनुष्य नहीं बन पाएंगे। आइए हम मसीह में चलें, मसीह में जिएं विश्वास के साथ। विश्वास का मतलब यह नहीं कि अंधविश्वास, कुछ रीति रिवाजों के पीछे चलना नहीं है मसीह जीवन, वरन मसीह पर पूरा भरोसा करना, ये समझते हुए कि मसीह है कौन। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते और वो हमारे जीवन का भाग है, लेकिन ये सारी बातें अगर हमारा प्रभु पर विश्वास बढ़ाता नहीं है तो ये सब फिर तो हमारे लिए रीति रिवाज ही बनकर रह जाती हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं, तो हम कभी भी इस मार्ग में आनंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा नजदीकी संबंध है नहीं। फिर हमारा आत्मिक जीवन एक संघर्ष बनता है। तो फिर स्वर्गीय स्थानों में बैठे रहना, आत्मिक आशीषें, ये सारी बातें हमारे लिए कहानियां बनकर रह जाती हैं, जो हमें हमारी सोच समझ के परे हैं। आइए हम अपने आत्मिक जीवन को इतना संघर्षपूर्ण ना बनाएं नियमों के साथ, जिसके कारण हम अपना पूरा दिल जान लगाकर पूरा प्रयास करते हैं
अपने प्रयत्न पर आश्रित है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। हमने ये समझना है कि हम मसीह में सब कुछ हैं। उसका मतलब अगर हम मसीह में हैं तो फिर हमारे जीवन का लक्ष्य और जीवन का कीमत और हमारे जीवन का अर्थ भी मसीह होगा। हमें मसीह में वो आजादी अनुभव होगा जो हमें पाप की गुलामी में हम एक समय थे, हम बंधन में थे, लेकिन मसीह में हम आजाद हुए। यदि हम खड़े होकर अपने बल पर चलने लगे तो हम कभी भी परीक्षा का सामना नहीं कर पाएंगे, पाप हमारे ऊपर जयवंत होगा। आइए हम प्रभु के काम पर, जो प्रभु ने क्रूस पर किया, उस पर भरोसा करें। प्रभु पर आश्रित हो पूरे दिल के साथ, ताकि कि हम उसके हाथ में सुरक्षित हैं और उसकी मर्जी के बिना, परमेश्वर के समझ के बिना, ज्ञान के बिना हमें कुछ नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर के धन्य इच्छा के लिए समर्पित हो जाएं तो प्रभु हमें बलवंत करेगा कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। अगर हम मसीह में जिए तो हम मसीह में बलवंत होंगे, तो हमें मिलने वाला सामर्थ इस संसार का ताकत नहीं है, ज्ञान का ताकत नहीं है और पाप का शक्ति हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। अगर हम फिर भी दुश्मन से डरते हैं और डरते हुए सोचते हुए अगला कदम रखते हैं, उसका मतलब हम अपने बल पर भरोसा रख रहे हैं। आइए हम एक एक कदम विश्वास से रखें। हम जितना विश्वास से कदम रखते हैं, क्रम अनुसार हमारा जीवन विश्वास का हो जाता है। हमारा कहने का मतलब प्रार्थना के द्वारा पाई हुई आशीषों के विषय में नहीं है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन का विषय है, जिसके द्वारा हम मसीह के कद तक बढ़ते। ध्यान रखें, प्रार्थना कर आप संसार में जो भी चीजें पाते हैं वो हमें सब इधर छोड़कर जाना है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मिक खूबसूरती बढ़ती है वो अनंत काल तक है। मसीह जीवन मसीह में का जीवन है, एक जीवन जो अपना बल मसीह के द्वारा पाता है और जो मसीह में हर क्षण जीता है। सो आइए हम मसीह में चलें, मसीह में जिए और परमेश्वर के धन्य उपस्थिति की आशीष को हर समय अनुभव करें, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें मसीह के कद तक बढ़ाए। हमारे में जो भी कमियां हैं, परमेश्वर की आत्मा उसमें जयवंत होने में मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। पिछले दिनों में प्रभु हमारा जीवन किस ऊंचे मापदंड का होना है, आपने हम एक एक से बात किया, सिखाया। इन दिनों में प्रभु हम अपने ऊपर भरोसा ना करते हुए प्रभु आप में जीने के लिए आप हमें मदद करें, आपके क्रूस पर किए हुए काम पर भरोसा करने के लिए हमें मदद करें। जो काम आपने शुरू किया हमारे जीवन में पूरा करें प्रभु, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति का आनंद हमेशा अनुभव कर सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे, हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।